बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अलादीन, एक सवाल पूछूं? अरे कभी तो अक्कल से काम लिया करो बेताल, ये कोई सवाल पूछने का वक्त है? मैं तो बस खैरियत पूछने वाला था। तुम ठीक हो ना अलादीन? हाँ, तुमने जो हमारी मदद की उसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया किस बात की? मुझे ये सवारी जो मिली। बस अब जल्दी से उल्टा बात पहुंच जाए, फिर सुनहरी तीर लेकर जाफर को खत्म करेंगे और चीनू को उससे छुड़ा लेंगे। पता नहीं जाफर ने उसे कितना सताया होगा। सब ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त, तुम देखना बहुत जल्द जीनू हमारे साथ होगा। और आप मेरी पीठ पर से नीचे उतरने का कष्ट करेंगे? उतरो। मैं क्यों उतरू? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मैं ऐसे ही उल्टा बात तक जाऊंगा। क्या? नहीं! उतरो! तुम उल्टा बात तक मेरी पीठ पर चढ़कर नहीं जा सकते। उतरो, मैं कह रहा हूँ उतरो। नहीं उतरूंगा, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। नहीं दूंगा तुम्हारे सवाल का जवाब। लटके रहो मेरी पीठ पर चमगादड़ बनकर। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है आका। रो मत जीनू, तुम्हारे आका बहुत जल्द तुम्हारे साथ होंगे। इतना आसान नहीं है माकू, तुम्हें पता नहीं जाफर इस बार क्या गड़बड़ करेगा। अगर मेरे आका को कुछ हो गया तो बाहर निकालो मुझे, मुझे मेरे आका के पास जाना है। जीनू, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तेरा को तोड़ दूंगा, जाफर को मार डालूंगा मैं। सब्र करो जीनू, अब जो भी करना है तुम्हारे आका को ही करना है। मुझे मेरे आका की मदद करनी है, मुझे कोई बाहर निकालो। जब मैं अलादीन को खत्म करने ही वाला था तुम बीच में क्यों आए? सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी गलती है। कोई नहीं से मुझे भी हिसाब चुकता करना है। वो लोग यहाँ से भाग गए हैं। ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। कौन रोकेगा उन्हें? मेरा भाई। जो काम जाफर नहीं कर पाया वो एक अंधे राक्षस का भाई करेगा। आप एक बार उससे मिलके तो देखिए, वो बहुत काम का है। ऐसी क्या खासियत है उसमें? तूफानी ताकत है उसके पास, हवा को जैसे चाहे मोड़ सकता है। उसके आगे कोई नहीं कि खैर नहीं। अगर ऐसी बात है तो बुला उसे, मैं खुद देकर फैसला करूंगा। कहाँ है तुम्हारा भाई हवादीस? वो आ गया। क्यों बुलाया है मुझे? सब खैरियत तो है? नहीं मेरे भाई, एक लड़के ने मुझे बहुत परेशान किया है। उसने मेरी आंख फोड़ दी और मेरे दांत से सुर्खी पत्थर चुरा कर भाग गया है। किसने की ये चुराई? कोई नहीं ने। लड़के का नाम अलादीन है। अलादीन ने हमारा बहुत नुकसान किया है। फिर तो उसे सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। वो तुम्हारे भाई का सुर्खी पत्थर चुरा कर उल्टाबाद की तरफ निकला है। उल्टाबाद? उसे मैं वहां पहुंचने से पहले ही पकड़ लूंगा। भाग सकते हो तो भाग लो अलादीन। कमल का फूल, लाल सुर्खी पत्थर और अब हमारा आखिरी मकाम सुनहरा तीर। तुम्हें कैसे पता कि ये हमारा आखिरी मकाम होगा? जाफर को हराना इतना आसान नहीं होगा। लगता है कोई तूफान आ रहा है। हाँ अलादीन, और जब तक ये तूफान थम न जाए हमें किसी महफूज जगह पे रुक जाना चाहिए। जमकर खड़े रहना, वरना तुम तो गिरोगे ही और मुझे भी गिरा दोगे। अलादीन,
अपनी कालीन नीचे लो। मैं कोशिश कर रहा हूँ आमिर, पर ये कालीन मेरे काबू से बाहर हो रहा है। अलादीन! आमिर! संभालो अपने आप। अभी अभी तो अच्छी खासी हवा चल रही थी, फिर ये हवा अचानक खतरनाक तूफान में कैसे बदल गई? तुम में से अलादीन कौन है? मैं हूं अलादीन। तो तुम हो जिसने मेरे भाई को अंधा बना दिया? मैंने? मैं तुम्हारे भाई को नहीं जानता। झूठ! तुमने उसकी इकलौती आंख खो डाली और उसका सुर्खी पत्थर भी चुरा लिया। तो तुम उस राक्षस के भाई हो? हाँ, मैं तुमसे अपने भाई का बदला लेने आया हूँ। ए मेरी जादुई कालीन, ले चल हमें इस तूफान से दूर। अवादिस से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। जल्दी चलो अलादीन, जल्दी! अब मैं तुम्हें ऐसा घुमाकर फेंकूंगा कि हवा का रुख भी तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। फिर मैं देखता हूँ कि तुम उल्टा बात कैसे सोचते हो। अलविदा अलादीन, अलविदा। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ जैसा, बहुत चाहता हूँ मैं तुम्हें। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी? मैं वादा करता हूँ। बस इतनी सी बात से डर गई? अभी तो बहुत सारे काम बाकी है, घबराने से कैसे होगा? जैस्मिन जी, खाला इतनी गुमसुम सी क्यों बैठी हो बेटा? नहीं खाला, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। काम के बोझ से दुबली होती जा रही हो और कहती हूँ मैं ठीक हूँ? चलो बेटा आराम करो। नहीं खाला, मुझे बहुत काम है। आपने मुझे बुलाया शहजादी? जी मंत्री जी, मुझे शाही खजाने का हिसाब देखना है। खाता तैयार करने में थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त लग जाएगा मतलब? आप सब उसमें हर दिन का हिसाब दर्ज नहीं करते? मुझे जल्द से जल्द खजाने का पूरा हिसाब चाहिए। अब्बू नहीं रहे इसका मतलब ये नहीं कि इन बातों की खोज खबर रखने वाला कोई नहीं रहा। उसे इस तरह आपकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। माना कि वो सुल्तान की बेटी है, पर आप भी तो उसके बुजुर्ग हो ना। जाहिर है आपको बहुत बुरा लगा होगा। बुरा तो लगा, पर क्या करें, आखिर वो हमारी रियासत की मलिका है। ऐसी मलिका का क्या फायदा जो अपने सबसे तजुर्बेकार वजीर पर शक करे? वक्त वक्त की बात है, मैंने सोचा था शहजादी निकाह करके अपनी ससुराल चली जाएगी और सुल्तान का पुराना वफादार होने की हैसियत से मुझे जारियाबाद संभालने की जिम्मेदारी दी जाएगी। पर अरे, पर ये तो अब भी हो सकता है। वो कैसे? जैस्मिन को अपने काबू में करके। ये मुमकिन नहीं होगा। जरूर होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उठा,
इसकी वजह से मैं भी फंस गया हूँ। अरे तो हमने कहा था आओ हमारे पीछे। ये जगह तो काफी वीरान है अलादीन। चलो यहाँ से, बहुत खतरनाक जगह लग रही है। चलो है मेरी जादुई काली, ले चल हमें उल्टा बात की ओर। अरे ये कालीन क्यों रुकी अलादीन? शायद गलत दिशा में उड़ गई हो इसीलिए। है मेरी जादुई कालीन, ले चल हमें उल्टा बात की ओर। लगता है कालीन भी सही दिशा नहीं पहचान सकता। उस हवादीश ने हमारे साथ साथ इस कालीन को भी कहीं का नहीं छोड़ा अलादीन। जब तुम मेरी पीठ पर चमगादड़ बन के चिपके होते हो तब क्या मेरा दम नहीं घुटता? वो देखो क्या ये बेकार। अब तुम्हें क्या हुआ? आने में महल? शायद हमें वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता मिले। तुम लोग यही रुको, मैं देख कर आता हूं। नहीं अलादीन, आगे मत जाओ। अलादीन रुक जाओ मेरे दोस्त। अलादीन रुको, तूने सही कह रहा अलादीन, मुझे भी वहां कुछ गड़बड़ लग रही है, मत जाओ वहां पर, रुको अलादीन। लगता है जैसे तुम बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हो अलादीन। अलादीन तो अपनी मुश्किलों का सामना कर ही लेगा। आप माने या ना माने, यहां पर भी कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्या मतलब? मैं जानती हूं कि आप मेरी बातों का यकीन कभी नहीं करेंगी, इसलिए अब मैं खाला के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा होशियार रहे, क्योंकि मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि अलादीन के लौटने तक आप और कोई भी मुश्किल का सामना करें। क्या करें, ये महल तो अलादीन को अपने अंदर निकल गया और फिर अचानक पता नहीं कहां गायब हो गया। कोई है?
कोई है? कोई है? अलादीन मेरा कभी किसी का कहना नहीं मानता, हमेशा अपनी चलाता है। अब कहाँ ढूंढे उसे, किससे पूछे? कहाँ ढूंढे, किससे पूछे? देखो बेताल, मेरा वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है, ऊपर से कहाँ पूछे किससे पूछे कह के और दिमाग मत खराब करो। जाओ आमिर की पीठ पर। मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना जाओ, मुझे अलादीन को ढूंढने जाना है। मैं नहीं जाऊंगा। देखो बेताल, आमिर तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देगा, उसकी पीठ पर जाओ। जवाब दोगे? मैं जवाब ये अच्छी बात नहीं है। कोई है? कोई ना कोई जरूर होगा। कोई है? अलादीन,